गुड आफ्टरनून पीपल, वेलकम बैक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का रिवीजन लेक्चर शुरू होने वाला है। एंड इफ चैप्टर वन वाज ऑल अबाउट फोर्स फील्ड एंड स्टफ, चैप्टर टू इज ऑल अबाउट वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, दिस इज ऑल अबाउट दैट। सो फॉर एग्जाम्पल, यू नो, लेट मी टेल यू द बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो वी आर लुकिंग एट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन एक्चुअली। नाउ सपोज आई हैव गॉट दिस चार्ज प्लस क्यू, एंड यहां पे दूसरा चार्ज है, लेट अस कॉल इट प्लस छोटा क्यू। Which type of force will be there between these two charges? You agree there will be repulsion? ये इसको दूर धक्का मारेगा। तो if I want to bring this charge from, let us say, this point to this point, let us say from R point R to point P, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है सर, let us see। हाँ सर, टेढ़ा तो लग रहा है। यहां से यहां तक लाना है तो आई विल हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स। सो ये प्लस क्यू की वजह से इस प्लस छोटे क्यू पे रिपल्शन है, तो मुझे अगर यहां से यहां तक लाना है, डू यू अग्री, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई बार, एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट is going to be opposite to the electrostatic force. तो work तो करना पड़ेगा श्रीमान, कितना work करना पड़ेगा? Work has to be done, भाई कौन करेगा work? By the external force in bringing छोटा q from point R to point P. And this work, देख कितना external force कितना है, here external force is just about the value of electrostatic force, but opposite to that, क्योंकि electric force इस direction में है और मुझे इस direction में displace करना है, तो मेरा external force इस direction में होगा, and उसका magnitude electric field जितना ही, direction opposite, so work done in going from R to P. It's one of the most important equations, people. Work done in going from R to P is integral. You know, work, everybody knows, is force into displacement. So external force into displacement. कहां से कहां तक? R से लेकर P तक. F external, isn't it minus F E bar? So ladies and gentlemen, you have approached the most important equation of this chapter. वर्क डन का एक बहुत ही सुंदर इक्वेशन। किसी का माइक चालू है? आई डोंट नो किसी का माइक चालू है, वो क्या कहना चाह रहा है? कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं? हाँ, क्या कोई कुछ तो कहना चाह रहा है? नहीं? ओके, यस तेज, यू वांट टू से समथिंग? बड़ी और माइक इज ऑन। तेज, ऑल हैंड्स कॉलिंग तेज। अच्छा, गलती इस मिस्टेक हो तो गलती, दुनिया ही तो उम्र है, कर ले गलती इस मिस्टेक। सो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम आर टू पी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डी आर बार फ्रॉम आर टू पी। एंड तुम वर्क करके, मेहनत करके आर से पी तक इस प्लस क्यू को लाए, पी पे छोड़े, ये जितना भी तुमने वर्क किया has been converted into electric potential energy. This work done is stored as potential energy. So, work done from R to P is P pe potential kitna? UP minus UR. So, celebrated stuff. Isi idea pe pura chapter dependent hai. बहुत ही सुंदर आला इक्वेशन। एंड अगर
इसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो रीड इट 2 to 3 times, समझो फिर आगे बढ़ो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ये बेसिक आइडिया समझे बगैर ही चले जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। एनी प्रॉब्लम सो फार? एनीथिंग? नो सर, वी आर ऑल गुड यहां से यहां तक। विश्व, अपना विश्व क्या वैभव समझ में आया? वैभव है? वैभव है कि नहीं है? एक जमाने में तो था। माइकर, पता नहीं, माइकर का माइक नहीं चल रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ हम डिसाइड करते हैं, ओके चलो वेरी गुड, वर्क डन, आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, बढ़िया इक्वेशन है। अब हम आर को कौन सा पॉइंट चूज करें जहां से मैं यूजुअली सारे चार्ज को लाता हूं? मैं यूजुअली सारे चार्ज को बड़ी दूर से लाता हूं, तो बड़ी दूर के पॉइंट को मैं इंफिनिटी चूज करता हूं। सो वी चूज आर इनिशियल पॉइंट, आर स्टार्टिंग पॉइंट एज इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। सो आर इज सेम एज इंफिनिटी, तो जहां जहां आर है वहां इंफिनिटी लगा दो। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, सो आर पी की जगह इंफिनिटी पी हो गया, इज यू पी माइनस यू इंफिनिटी। एंड हमने पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी को क्या कंसिडर किया है? जीरो। सो दिस इज यू पी माइनस जीरो विच इज यू पी इज माइनस इंटीग्रल फ्रॉम इंफिनिटी टू पी एफ ई बार डॉट डी आर बार। दिस इज द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो या हू इज हैविंग ट्रबल विद द माइक? तेज, तेज, ओह थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो दिस वॉज द आइडिया। सो हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? सिंगल शॉर्ट डेफिनेशन, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। बट सर चैप्टर का नाम तो पोटेंशियल है। ओके, तो डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ला के पोटेंशियल का आइडिया क्रिएट करते हैं। इज दिस अग्रीएबल? एवरीबॉडी इज गुड? नो प्रॉब्लम्स? ओके, सो इस आइडिया को बेस बनाकर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करने वाला हूं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? डेफिनेशन इज सिंप्लिसिटी इटसेल्फ। डेफिनेशन सेज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेडीज एंड जेंटलमैन, पोटेंशियल एनर्जी वॉज वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। लेट मी जॉट डाउन दैट डेफिनेशन फॉर यू। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हम उसको यूपीसी कहते हैं, एंड उसकी वैल्यू है +1 coulomb फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ भी दे सकते हो नाम, एट दैट पॉइंट। इन शॉर्ट, यू नो, लेट मी गेट बैक टू द ओल्ड सिनेरियो। हम प्लस क्यू, छोटा क्यू को आर से पी तक लाते थे। इफ वी वांटेड टू ब्रिंग +1 coulomb फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट पी, भाई तो कितना वर्क डन होता?
वर्क डन इज, भाई जो तुम्हारा वर्क डन है, वॉजेंट इट यू पी माइनस यू आर, वो चार्ज छोटे क्यू के लिए, पर अब तुमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाना है, सो व्हाट यू डू इज यू डिवाइड दिस थिंग बाय छोटा क्यू, बाय दैट चार्ज, सो एंड दिस टर्म इज कॉल्ड वी आर वी पी माइनस वी आर, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. सो जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है उसको डिवाइड बाय क्यू कर दो, तो इट विल गिव यू व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, एनीबॉडी, एनर्जी का क्या होता है जूल, चार्ज का क्या होता है कूलम, तो जूल पर कूलम, और इट इज बेटर नोन एज वोल्ट, इन द ऑनर ऑफ द ग्रेट अलेहांद्रो वोल्टा. तो दिस वॉज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें चार्ज क्यों नहीं आता. अगर आप चाहते हो कि सर इसका भी कोई इक्वेशन डिराइव किया जाए, तो इट इज एज सिंपल एज दैट. जैसे लास्ट टाइम आपका इक्वेशन क्या था, वर्क डन फ्रॉम आर टू पी वॉज माइनस इंटीग्रल फ्रॉम आर टू पी एफ ई बार डॉट डी आर बार. तो अब यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफरेंस, दिस इज फॉर चार्ज क्यू, एंड फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिवाइड दिस थिंग बाय क्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क विल बी माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ ई बार बाय क्यू. एनीबडी स्टिल रिमेंबर्स व्हाट इज एफ ई बार बाय क्यू? माय गुडनेस, डू वी रिमेंबर पीपल? E bar dot dr bar from R to P. So beautiful equations. इसमें से कुछ equations textbook में नहीं है, भाई नहीं है तो नहीं है, but इसका मतलब ये नहीं कि हमको पता ना हो, हमको पता होना बहुत जरूरी है. So work done is minus integral E bar dot dr bar. This is for unit positive charge. अब हम बात करते हैं electric potential due to a single charge के बारे में. अच्छा, any doubts? यहां पे कोई दिक्कत? नो, वी आर गुड. ओके, लेट्स मूव ऑन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फिर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. एकदम मक्खन, ये चैप्टर पूरा मक्खन है. हाँ, आपको बेसिक अगर समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो सकती है. तो दिक्कत ना चाहो तो हमेशा बेसिक पकड़ के काम आगे बढ़ाओ. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to a single charge. Okay, sir. Single charge. अर्थात, एकदम सिंपल अर्थात में बता देता हूं. मेरे पास एक तो सिंगल चार्ज है Q, ओरिजिन पे रखा है, बराबर. यह है पॉइंट P. Okay. And Q से P का डिस्टेंस कितना है? Let us call it R. अब मैं क्या करना चाह रहा हूं सर? करना क्या चाह रहे हो? मैं चाहता हूं इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके यहां तक लाया जाए. ओके, तो लेट अस से यहां पे है, ये डिस्टेंस है आर डैश, लेट अस कॉल इट, आई डोंट नो व्हाट, लेट्स कॉल दिस प्लस वन कूलम. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कंसिडर क्यू एट द ओरिजिन. What is going to be the force between this Q, assume दोनों का positive charge है, this Q and this one coulomb, the electric force on plus one coulomb due to plus Q. Anybody? F bar K Q into 1 over R square into R cap. Okay? आर डैश स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक, इनटू आर डैश कैप. अब ओके, इक्वेशन मिल गया. अब चाहते क्या हो? अब अपने को इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देना है, थोड़ा सा लिटिल, यहां से यहां तक, लेट्स कॉल इट डी आर डैश बार. छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया मैंने, वी गिव इट अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वी गिव प्लस वन कूलम अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, नाम क्या है, डी आर डैश बार टूवर्ड्स प्लस क्यू. तो भाई अपने आप तो जाएगा नहीं, वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क डन, हम उसको नाम देते हैं डी डब्ल्यू, इज एफ बार डॉट डी आर डैश बार.
भाई एफ बार कितना है? रेडी है सर, के क्यू ओवर आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश कैप, एंड हाउ मच इज डी आर डैश बार? डू यू अग्री इट इज डी आर डैश इंटू आर डैश कैप? बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका फोर्स किस तरफ था? रिपल्शन ऐसा था ना, और ये डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? इस तरफ। डू यू अग्री बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने से यहां पे क्या आ जाता है? माइनस साइन। डू यू अंडरस्टैंड? इंटू डी आर डैश इंटू आर डैश कैप, आर डैश कैप, आर डैश कैप इज वन, सो माइनस के क्यू बाय आर डैश स्क्वेयर इंटू डी आर डैश। ये तो छोटा सा वर्क डन हो गया, अब नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन इन टेकिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग, एक एक स्टेप से चलता है, प्लस वन कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी इज विल यू नो वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट, इजंट इट पोटेंशियल, सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इंटीग्रल डी डब्ल्यू, विच इज फ्रॉम कहां से लेकर कहां तक? इंफिनिटी से पी तक, तो ये रहा माइनस के क्यू बाहर आ गया, इंटीग्रल वन अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश इंफिनिटी से लेकर पी तक, एंड पी कितना डिस्टेंस है यू नो क्यू से आर, सो यहां पे मैं आर डाल देता हूं, एंड आई विल इंटीग्रेट इट, एंड फाइनली मुझे इक्वेशन धमाधम, यू वॉन्ट मी टू इंटीग्रेट एनीबडी? दिस विल बी आर डैश माइनस टू डी आर डैश, वॉन्ट मी टू इंटीग्रेट? नो, सो वी एट पी विल फाइनली बी इक्वल टू, मैं काम करता हूं इंटीग्रेट कर ही देता हूं यार, यू नो फिर किसी को समझ में नहीं आया सर इंटीग्रेट किस तरह किया आपने, बेचारे टेंशन हो जाए, तो माइनस के क्यू इंटीग्रल आर डैश रेस टू माइनस टू इंटू डी आर डैश, एंड इंटीग्रल आर रेस टू माइनस टू आर रेस टू माइनस वन ओवर माइनस वन, आर डैश रेस टू माइनस वन ओवर माइनस वन इंफिनिटी से लेकर आर तक, ये माइनस माइनस तो गियो, सो फाइनली यू आर लेफ्ट विथ के क्यू वन बाय आर माइनस वन बाय इंफिनिटी, वन बाय इंफिनिटी जीरो, एंड एज अ रिजल्ट लेडीज एंड जेंटलमैन इधर एक बीच में गुजर दूंगा, वी एट पी इज के क्यू बाय आर, ब्यूटिफुल इक्वेशन, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, and do not forget the electric field at a point is given as E is KQ by R square, dono hi case mein R is the distance between the charge and the point where you are finding the potential or the field, so V is KQ by R, alright, so this was the equation for electric potential, let's go to electric potential at a point due to a dipole, I love a dipole, two equal and opposite charges separated by a finite distance, my goodness couldn't have done better, bahut hi lovely uska bhi derivation hai, let's check it out and then let's go on to potential energy, so due to a dipole, due to an electric dipole, ओके मेरे पास डाइपोल है, राइट ये रहा डाइपोल तुम्हारा, बड़ा डाइपोल बनाया है, एंड ये उसका मिड पॉइंट, एवरीबडी नोज यहां से लेकर यहां तक ए है, यहां से लेकर यहां तक भी ए है, एंड व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी, ओके यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस को आर वन बोला है, क्या मारा है, यहां से यहां तक डिस्टेंस को आर टू बोला, एंड ये बीच का एक लाइन मारेला है, दिस इज आर, लेट अस कॉल दिस थीटा, ओके नाउ सिंपल एज इट गेट्स, भाई कितने चार्ज नजर आ रहे हैं? सर दो चार्ज नजर आ रहे हैं, और कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है? पी पे, तो द पोटेंशियल एट पी is V at P will be V due to plus Q
प्लस वी ड्यू टू माइनस क्यू, दो सिंगल चार्जेस है और यहां पे साइन कंसीडर किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं करते उसमें डायरेक्शन में साइन कंसीडर करते हैं, ये तो स्केलर है तो इसमें साइन कंसीडर करना ही पड़ेगा। क्यू का डिस्टेंस कितना पी से आर वन, सो दिस इज के क्यू बाय आर वन, माइनस क्यू का डिस्टेंस कितना पी से आर टू, तो के माइनस क्यू बाय आर टू, तो क्या मिल जाएगा, के क्यू कॉमन हो जाएगा, वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू। अब इसके आगे बगैर एलजेब्रा के बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो हम वेक्टर्स को यूज करते हैं, जैसे ये आर है, ये ए है और ये आर वन है, मुझे आर वन चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए एंड आर, सो बाय एलजेब्रा, वेक्टर एलजेब्रा यू कैन कॉल इट, आर वन स्क्वेयर इज आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, वो पाइथागोरस का छोटा भाई, माइनस टू ए आर कॉस थीटा। एक काम करते हैं, आर स्क्वायर को कॉम्बन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में कौन बचेगा, वन माइनस टू ए आर कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ये आर एक कट जाएगा, आओ जो वो जगह की तंगी है ना, तो मैंने इधर ही काट डाला, ये ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बहुत ही ज्यादा छोटा है, सो एज ए इज मच स्मॉलर देन आर, सो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मच स्मॉलर देन वन, उड़ा दो साले को, तो आर वन स्क्वायर इज करीबन करीबन आर स्क्वायर ब्रैकेट वन माइनस टू ए कॉस थीटा बाय आर। सिमिलरली टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आर टू स्क्वायर भी ले आता हूं, आर टू स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर कॉस थीटा। सर ये प्लस कैसे आया भाई साहब, ये आर में और ए में यहां कितना डिस्टेंस एंगल है, 180 माइनस थीटा ना, कॉस 180 माइनस थीटा लगाओ, माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, खेल का लास्ट। इसको भी इसी तरह का ट्रीटमेंट दूंगा, एंड देयरफॉर आर टू स्क्वायर इज करीबन करीबन आर स्क्वायर वन प्लस टू ए कॉस थीटा बाय आर। एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम विथ अब तक मैंने जो किया वो, यू श्योर, एब्सोल्यूटली 100% वी आर ऑल गुड, ओके। अब मुझे एक्चुअली आर वन और आर टू चाहिए, एक्चुअली वन बाय आर वन और वन बाय आर टू, तो ये आर वन स्क्वायर है, आर टू स्क्वायर है, मैं वन बाय करूंगा एंड लेट सी वॉट हैपन्स, आई हैव टू रब दिस ब्यूटिफुल डायग्राम, पर क्या करें बैठे बैठे क्या करें, ओके सो वन बाय आर वन स्क्वेयर इज वन बाय आर स्क्वेयर एंड दिस होल थिंग गोज डाउन, तो ऊपर ले आता हूं मैं, वन माइनस टू ए कॉस थीटा बाय आर द होल रेस टू माइनस वन, एंड मुझे एक्चुअली रूट चाहिए, तो वन बाय आर वन नियरली इक्वल टू वन बाय आर, वन माइनस टू ए कॉस थीटा ओवर आर का स्क्वेयर रूट। क्या करोगे सर, ये वाला यहां लाके रख दूंगा, क्या करने का इसमें, टेंशन की बात क्या है, वन माइनस माइनस हाफ इंटू टू ए कॉस थीटा बाय आर। इज दिस एब्सोल्यूटली एग्रीएबल जेंटलमैन एंड लेडीज, अगर आपने कभी ये डेरिवेशन हाथ से खुद से किया है तो बहुत मजा आता है, इसमें खुद करने में जो मजा है वो किसी और का देखने में नहीं है, मतलब ये काम की बात कर रहा हूं मैं। एंड सिमिलरली सेम टाइप की ट्रीटमेंट इसके साथ भी होगी, तो वन बाय आर टू इस करीबन करीबन वन बाय आर आप करोगे तो आंसर आ जाएगा वन माइनस, और ये सारा धंधा हमको उठाकर इसमें लगा देना है, सो इक्वेशन वन बकम्स वी एट पी के क्यू। अच्छा वन बाय आर वन और वन बाय आर टू दोनों में वन बाय आर कॉमन है, तो नीचे मैं आर डाल देता हूं, एंड वन प्लस ए कॉस थीटा बाय आर माइनस वन माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा बाय आर, वन माइनस वन बिग फैट बाय बाय, एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, सो वी एट पी क्या बन जाएगा,
वी एट पी इज के क्यू बाय आर, ए कॉस थीटा बाय आर प्लस ए कॉस थीटा बाय आर, इजंट इट टू ए कॉस थीटा बाय आर। इसको पहचाना कभी, मिले थे क्यू इंटू टू ए पी। सो मेरा इक्वेशन आ चुका है श्रीमान, वी एट पी इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वेर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो ड्यू टू सिंगल चार्ज V is proportional to 1 by R, wasn't it KQ by R? And due to dipole, V is proportional to 1 by R square. तो ये कभी कभी याद रखना जरूरी होता है। अच्छा, on the axis, theta is 0 degree, cos 0 will be 1, so V at P is KP by R square, जबकि on the equator, theta is 90, and cos 90 is how much? 0, तो V इसको ऑन दी एक्सिस बोलता हूं मैं, एंड वी ऑन दी इक्वेटर इज जीरो। अ वेरी लवली डेरिवेशन, प्लीज कीप दिस इन माइंड। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, एनी स्टेप दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड? नो, वी आर ऑल गुड। ओके, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बहुत सारे चार्जेस। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम कर जाता है उसमें, कि E बार इज E1 बार प्लस E2 बार प्लस टक 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 प्लस EN बार। पर अगर बहुत सारे चार्जेस हो तो नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट कितना होता है? क्या वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है? नहीं, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है, वेक्टर नहीं। सो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेट मी शो यू व्हाट इट मींस। आई एम श्योर यू नो व्हाट इट मींस। Suppose this is like, this is point P, this is Q1, this is Q2, this is tuck tuck tuck, this is Qn, and the distance between, you know, now you're not looking at vectors, you're looking at scalars. P and Q1 is R1P, distance between P and Q2 is R2P, and distance between P and, let me call this here Qn, बिटवीन पी एंड क्यू एन, ये आर वन पी इधर होना चाहिए, टक 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 टक, दिस इज आर एन पी। सो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी इज वी एट पी इज वी ड्यू टू क्यू वन प्लस वी ड्यू टू क्यू टू प्लस टक 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 प्लस वी ड्यू टू क्यू एन। हाउ मच इज वी ड्यू टू क्यू वन? K Q1 over, what is the distance between Q1 and P? Isn't it R1P? Plus, what is V2? K Q2 over R2P. And what is V due to Qn? K Qn over RNP. Is this absolutely agreeable? Simple scalar sum. No vector sum. Electric field mein hota hai vector sum. Isme nahi hota vector sum. Now, due to a charged shell, electric potential due to a charged hollow sphere या charged shell, shell के किसी भी अंदर के या ऊपर के point का potential blue में लिखते हैं, at a point on or inside, at a point on or inside the shell, very lovely equation this, V in ya on, you remember? Yes. Very well, very well. And aap radius ki jagah bada r likhna chaho, no problem. So V in ya on is KQ by radius. Jabki at a point outside the shell, shell ke bahar agar point ho, to V outside. Very nice. KQ by distance, which is KQ by, मैं distance को छोटे r से represent करता हूं. So these are two very lovely equations जो बहुत ही ज्यादा काम आते हैं. And actually इनके ऊपर based एक बहुत ही बढ़िया numerical है, additional exercises में है, शायद इसका नाम है numerical number 20.
2.20 पेज 89 पे है. टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडिया ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सरफेसेस. यूज द रिजल्ट ब्ला 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 ब्ला. सो मैं इसी वक्त उस न्यूमेरिकल को करूंगा इस आइडिया को यूज करके. इधर ही आपके सामने ही कर रहा हूं कि सपोज मेरे पास दो स्फीयर हैं. सो 20 न्यूमेरिकल 20. आई गॉट दीज टू स्फीयर्स. एक का रेडियस है ए और दूसरा बड़ा स्फीयर है रेडियस है बी और दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया. पीपल अंडरस्टैंड दिस. जब तुम कोई भी दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हो इट्स लाइक ब्रिंगिंग देम टुगेदर. सो चार्ज विल ऑब्वियसली फ्लो फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर. कब तक फ्लो होगा दैट इज द की क्वेश्चन. जब दोनों स्फीयर का साइज सेम था आइडेंटिकल थे तो दे फ्लोड टिल सिस्टम में यू नो दोनों में चार्ज सेम हो जाए. बट यहां पे तो एक अलग है एक छोटा एक बड़ा है. तो कब तक फ्लो होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल्स सेम नहीं हो जाते. सो लेट अस कॉल दिस इस पे चार्ज क्यू ए इस पे चार्ज क्यू बी. नाउ टोटल चार्ज क्यू ऑफ द सिस्टम इज क्यू ए प्लस QB. Now, charge flows from one sphere to another till potential on sphere A is equal to potential on sphere B. And V in या on KQ by radius. तो A पे A के surface पे potential कितना होगा K क्यू ए बाय रेडियस ए. एंड बी के सरफेस पे कितना होगा के क्यू बी बाय रेडियस बी. लेट्स रॉक एंड रोल. तो क्यू ए बाय क्यू बी इज ए बाय बी. ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है. क्यू ए बाय क्यू बी इज ए बाय बी. एंड अगर आप कंपोनेंटो वगैरह लेते हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं इस चीज पे. रुको एक सेकेंड मैं कंपोनेंटो लेकर के भले मैं एक रिजल्ट ऐसा डिराइव कर रहा हूं जिसकी उनको जरूरत नहीं है बट हम अपने लिए एक रिजल्ट डिराइव करते हैं यहां पे. सो यूजिंग कंपोनेंटो यू नो क्यू ए प्लस क्यू बी बाय क्यू बी इज ए प्लस बी बाय बी. फाइनली हमको मिलता है चार्ज ऑन स्फीयर ए इज क्यू इन टू ए ओवर ए प्लस बी एंड चार्ज ऑन बी क्यू बी इज क्यू इन टू बी ओवर ए प्लस बी. नाउ वेरी फ्रेंकली ये रिजल्ट उनको नहीं चाहिए. ओके नो प्रॉब्लम. नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए क्या कर सकते पर हमने डिराइव कर लिया. उनको रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज ई is KQ by radius ka square. Okay? So electric field on A is KQA by A square. Electric field on surface of B, EB is KQB by B ka square. So chalo phir dono ko divide kar lo. KK kat gaya. QA by QB into B square by A square. A by QA by QB hai apne paas A by B. तो a by b into b square by a square. I think cutting आपको भी आता है. मुझे भी आता है cutting. I love cutting. So ea by eb is b by a. And not only that, अगर आपको ratio of surface charge densities चाहिए तो तुमको याद होना जरूरी है कि this can also be written as on the surface sigma by epsilon zero. बरोबर. दिस वॉज एक्चुअली रेडियस बड़ा आर का स्क्वायर छोटा आर नहीं बड़ा आर का स्क्वायर सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो. तो ई ए बाय ई बी ऑल्सो ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा. तो ई ए बाय ई बी ए बी 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 इज सिग्मा ए बाय सिग्मा बी इज बी बाय ए. इन शॉर्ट जिसका भी एरिया कम होगा यू नो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग व्हाट यू कॉल इट रेडियस.
जिसका भी रेडियस छोटा होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा होगा. सो एट पॉइंटेड एंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. सो दिस वॉज नंबर 20. आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. दिस इज वन टॉपिक दैट आई रियली लव. यू नो आई विल फर्स्ट गिव यू द इक्वेशन एंड देन आई विल गिव यू शो यू हाउ वी प्रूव्ड इट. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R12. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. पहले रिजल्ट फिर कैसे आया वो. सो केस वन मेरे पास दो चार्जेस हैं. दिस इज Q1 दिस इज Q2 एंड बीच में डिस्टेंस है R12. Anybody willing to tell me what will be the electrostatic potential energy of this system Q1 and Q2? Q1, Q2 by R12. Very good. Is, we'll call it U12, is KQ1 Q2 by R12. On the other hand, suppose mere paas do nahi, teen charges hain. So case 2, teen charges total. एक नहीं दो नहीं पूरे तीन. सो दिस इज Q1 दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3. डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज R12. दिस इज बिटवीन दीज टू इज R23 एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज R13. एंड नाउ व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम भाई. This system is, मैंने आपको सिखाया था pairing ढूंढने का. You know, एक shortcut ये था pairing ढूंढने का. तो ये तीन के system में कितनी pairs है? तीन. U12, U13 and U23. और कोई pair है? पहले वन की देख लेते. 1 2 है, 1 3 है, आ गया 1 2 और 1 3. फिर 2 3 है, वो भी आ गया. तो अब equation तो साधारण बन जाता है कि Q1, Q2 over R12 plus KQ1 Q3 over R13 plus KQ2 Q3 over R23. And अब जाते हैं आपके सवाल पे कि सर आया कैसे इक्वेशन. कैसे आया भाई? सबसे पहले यू नो ये सिस्टम अपने आप नहीं बना है. हम ये मानते हैं कि ये सिस्टम हमने बनाया है. यू नो Q1 और Q2 दोनों इन्फिनिटी पे थे. पहले Q1 को लाया, कितना वर्क डन किया उसमें स्टोर हुआ. फिर Q2 को लाया, कितना वर्क डन किया वो उसमें स्टोर हुआ पोटेंशियल एनर्जी की तरह. एंड दिस इज हाउ वी गो ऑन एडिंग सम्स. सो केस वन ओके. अब यही इक्वेशन में डिराइव करूंगा केस वन का. ओके सेम आइडिया नो डिफरेंस. तो स्टे विथ मी. हम सबसे पहले यह अज्यूम करते हैं कि कुछ नहीं है संसार में, कुछ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. अब हम Q1 को इंफिनिटी से लाकर यहां प्रस्थापित करते हैं, बराबर. सो वी ब्रिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी एंड पुट इट एट पॉइंट P एंड वी ब्रिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी एंड सेट इट एट पॉइंट पी. भाई क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था तो किसी के विरुद्ध वर्क ही नहीं करना पड़ा. तो नो वर्क हैज टू बी डन. सो वर्क डन टू ब्रिंग वन Q1 फ्रॉम इंफिनिटी इज जीरो. अब Q1 यहां आया, अपना साम्राज्य एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया. उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम Q2 को इंफिनिटी से यहां तक लाए. ओके इसको नाम क्या देते हैं? S. ऑलराइट. और इतने डिस्टेंस पे लाए. सो नाउ वी ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट S एट डिस्टेंस R12 फ्रॉम पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q1. क्या हमको काम करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा जी. क्यों नहीं करना पड़ेगा?
क्योंकि Q1 ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश किया है तो उसके विरुद्ध काम तो करना पड़ेगा, वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट एस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। अच्छा ऐसा हो गया, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ओके कितना करना पड़ेगा, आओ देख लेते हैं कितना करना पड़ेगा। वर्क डन इज यू नो क्यू इंटू वी चार्ज दैट हैज टू बी ब्रॉट इंटू पोटेंशियल एट एस, पोटेंशियल एट एस ड्यू टू Q1। तो चार्ज कितना लाने का है Q2 एंड पॉइंट एस पे Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, एवरीबॉडी नोज इट इज के क्यू बाय आर। तो के Q1 बाय कितना डिस्टेंस है पी और एस में, R12। सो मेरा वर्क आता है के Q1 Q2 बाय R12। आंसर की खुशबू आने लगी है। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज टोटल वर्क डन इज, पोटेंशियल एनर्जी को यू बोलते हैं, इट इज W1 प्लस W2। W1 कितना है जीरो, W2 कितना है के Q1 Q2 ओवर R12। क्या आ गया मेरा इक्वेशन श्रीमान, कोई शक? ओ सर इसके साथ लिंक हुआ है बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन, आई थिंक यू शुड सी दैट इलस्ट्रेशन। आई हैव फॉरगॉटन द नंबर ऑफ दैट इलस्ट्रेशन, 2.4 या 2.4? Yes, 2.4, लवली नंबर दिस। एनीबडी वॉन्ट्स मी टू डू 2.4? एनीबडी? यू आर ऑल गुड विथ 2.4? श्योर? हाँ मतलब करूं या ना करूं? अच्छा ओके तो आगे बढ़ते हैं। ये तो इन द यू नो इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, पर अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या करेंगे, तो उसको भी यूज करना, उसके अगेंस्ट भी काम करना है। सो इफ देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल, यही सिस्टम को लूंगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। So consider an external electric field electric field to be present, E bar to be present। अब इस external electric field के environment में हमको Q1 को लाना और फिर Q2 को लाना। So we bring Q1 from infinity to a point, do we need to do work? Yes, absolutely. इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो हमको काम करना पड़ेगा। Work has to be done in bringing Q1 against the electric field. तो how much is the work done? W1 नाम है इसका। It is charge Q1 into V at R1 bar, जहां पे उसको लाया है। This is potential at the point due to the electric field. We now bring Q2 from infinity to a different point, to another point. किस किस के खिलाफ work करना पड़ेगा? एक तो external field के खिलाफ और दूसरा ये Q1 के फील्ड के खिलाफ। तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। तो हाउ मच विल बी द वर्क डन, वर्क टू इज Q2 इंटू वी ड्यू टू एट R2 बार प्लस Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1।
electric potential due to q1, not electric field due to q1, due to electric potential due to q1. So q2 into v at r2 bar plus q2 into k q1 by r12, and the total energy, the total potential energy, as simple as it gets, u is w1 plus w2. इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे, ये तुम्हारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है. फिर आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ई इज माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एल, सिंपल इक्वेशन सफाइसेस. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज गिविंग यू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज्यादा गिरता है, और एट सबसे स्टीप गिरता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर्स. यू नो, कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाओगे तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बिकम जीरो. यू टेक अ गॉसियन सरफेस, तो सिग्मा क्यू इनसाइड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो. जब भी आप किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज लगाते हो तो चार्ज विल डेवलप, विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली throughout the entire outer surface of that conductor. Thirdly, the electric field at any point on the surface of the conductor is perpendicular, normal to the surface, normal at that point to the surface. And finally, electrostatic shielding. तुम अगर किसी गाड़ी में बैठे हो, ये डायग्राम सबको याद होगा, एंड गड्डी जानी है छलांगा मार दी और उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया. ये रास्ता है और तुम अंदर बैठे चला रहे ले हो और अचानक से बिजली गिरती है, तो क्या करना चाहिए हमको? क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए? कुछ करना नहीं, गाड़ी में बैठे रहना चाहिए? क्यों? अंदर तो फिर ये बिजली हमारे थ्रू नहीं निकल जाएगी जड़ांग करके? उफ, नो सर. क्यों? हॉलो स्ट्रक्चर नहीं, अंदर एक गॉसियन सरफेस जैसा बन जाता है, इसलिए अंदर टोटल चार्ज जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. एज अ रिजल्ट बिजली तुम्हारे थ्रू तो जा ही नहीं पाएगी, वो यहां से होती हुई जमीन में कंडक्ट हो जाएगी. यू विल रिमेन सेफ. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. तो अच्छा, लास्ट बात ये कि कोई भी सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सपोज ये कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट पी, और उस पे चार्ज वायर लगाया हुआ है, पूरा चार्जेस है. तो हम क्या करते हैं, एक पिल बॉक्स शेप्ड गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस E bar and surface charge density is sigma. इतना एरिया है A या S, S बोलो, S चलो. Okay. अब तुम सोचोगे सर अंदर अंदर कुछ नहीं है बेटा, अंदर गॉसियन सरफेस है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाहर होगा. तो by Gauss's law, flux phi is integral E bar dot dA bar, which is sigma q by epsilon zero. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इंटू एरिया कितना है, एस, और कितना चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एरिया कितना है, एस बाय एप्सिलॉन जीरो, एस एस कट गया. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स. Now we proceed on to the second part of this chapter, one of the most important parts of this chapter, which is called capacitors. Everybody loves it the most. Okay, before we go on to capacitors, Vishwam मुझे कह रहा है कि illustration 2.3 कराओ, no issues. तो सबसे पहले मैं diagram बना लूँ. विश्व, तेरा जो illustration है 2.3, one of the most beautiful illustration so far है. क्यों? Because it tells you, suppose positive charge hai and this is point P, this is point Q. Dusra ek yahan pe negative charge hai,
दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. कुछ भी करने से पहले, कुछ भी करने से पहले तेरे को ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल है, कौन सा पॉइंट लो पोटेंशियल है. ऑलराइट, नाउ फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, यू नो फॉर अ पॉजिटिव चार्ज वी इज के क्यू बाय आर, दैट इज वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ये छोटा है ये बड़ा है, पी का डिस्टेंस छोटा है तो डू यू अग्री उसका पोटेंशियल बड़ा है. सो वी पी ग्रेटर देन वी क्यू, डू यू अग्री विथ मी, इज दिस अग्रीएबल. तो यहां डिस्टेंस छोटा तो पोटेंशियल बड़ा, यहां डिस्टेंस बड़ा तो पोटेंशियल छोटा. सो दिस इज हाई पॉट, दिस इज लो पॉट. उसी तरह यहां पे भाई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में उल्टी बात, वी प्रोपोर्शनल टू आर ई बट माइनस. तो जो नजदीक वाला पॉइंट होगा ना, जैसे यहां पे नजदीक वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो यहां नजदीक वाला पॉइंट होगा लो पोटेंशियल एंड दूर वाला पॉइंट होगा हाई पोटेंशियल. भाई एक और मस्त बात बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाती है ऐसे, तो लाइन के डायरेक्शन में जो पहले पॉइंट आए ना, तुम चले जा रहे हो, पहला पॉइंट जो आया वो हाई होगा और आगे पॉइंट जो आया वो लो पोटेंशियल होगा. इस तरह भी याद किया जा सकता है. और इसमें भी ऐसा यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड घुसता ना, जो जाते हुए जो पॉइंट पहले आया वो हाई और जो बाद में आया वो लो, याद रहेगा. सो इफ वी गो विथ द एरो, पॉइंट कमिंग फर्स्ट, ये सब टिप्स है, इज हाई पॉट एंड पॉइंट कमिंग लेटर, कमिंग लेटर मतलब टूवर्ड्स द एरो हेड, इज लो पोटेंशियल. सो जो पॉइंट टूवर्ड्स द एरो हेड होता है ना वो लो पोटेंशियल होता है. देखना दिखाई दे रहा है, एरो हेड की तरफ जो पॉइंट है वो लो है और एरो के पिछवाड़ी की तरफ जो है वो हाई है. सेम हियर, एरो के पिछवाड़ी की तरफ जो है वो हाई है, एरो की तरफ जो है वो लो है. एंड अब कुछ भी करना है, कुछ भी तेरे को सपोज पूछा है कि अगर मेरे को कोई छोटा सा पॉजिटिव चार्ज पी से क्यू तक लेके जाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा. भाई हमेशा तेरे को अगर याद हो तो मैंने समझाया था, जब भी तू ये सिचुएशन देखे तब अपनी घर की टंकी, ये टैंक, टैंक इज एट हाई पोटेंशियल एंड घर का नलका विच इज एट लो पोटेंशियल कंसिडर कर ले. पानी किस तरफ बहता है अपने आप, हाई टू लो, कौन बहाता है पानी को ऊपर से नीचे तक, ग्रेविटेशनल फोर्स. सो हु डज द वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड पानी जब ऊपर से नीचे आता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या घटती है, बढ़ती है, बरोबर. सेम फंडा, बस यहां टैंक की जगह लेट अस से पॉइंट पी है, ये हाई है, ये नलके की जगह लो तो है, नलके की जगह है पॉइंट क्यू जो लो है एंड वाटर की जगह पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. एंड व्हेन इट गोज फ्रॉम हाई टू लो इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इट इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, बरोबर. ये फंडा लगा के ये पूरा सम अपने आप सॉल्व हो जाएगा. यू वॉन्ट मी टू सॉल्व द होल सम, ऑल द वेरियस पॉइंट्स एंड स्टफ, या दिस विल सफाइस.
बराबर परफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। हमेशा कोई भी ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस की बात चले ना तो सबसे पहले ये देखना कि हाई पॉट कौन सा है, लो पॉट कौन सा है। सो ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ले 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 ओके। एंड नाउ लेट्स गो टू माय फेवरेट टॉपिक, कैपेसिटर्स। भाई कोई भी डिवाइस जो चार्ज स्टोर करे दैट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। एक और डेफिनेशन भी है पर मैं उसको अभी नहीं दूंगा। अच्छा, अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ऑल्सो स्टोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ले दे ही दिया मैंने, इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। कोई भी साधारण स्फीयर भी चार्ज स्टोर कर सकता है, बट उसका एक बार पोटेंशियल आ जाए फिर वो सारा चार्ज धीरे धीरे बाहर लीक होने लगता है, एयर में लीक होने लगता है। दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। वी वॉन्ट मोर चार्ज टू बी स्टोर्ड ऑन द बॉडी, तो वॉट डू वी डू, वी डोंट टेक सिंगल कंडक्टर, वी टेक टू गुड कंडक्टर्स। एक को जब मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूं तो बाय इंडक्शन दूसरे में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। एज अ रिजल्ट इस सिस्टम का, इस बाजू वाले मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाता है, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, तो पोटेंशियल घट जाएगा नेट। एज अ रिजल्ट यू कैन स्टोर मोर चार्ज ऑन द बॉडी। तो टू गुड कंडक्टर्स केप्ट नियर टू ईच अदर बट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। तो दो अच्छे कंडक्टर, चाहे वो दो स्फीयर हो, दो प्लेट्स हो, दो डिस्क हो, कोई भी दो चीजें हो, उस पे एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज हो, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वी कॉल इट अ पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स, वन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, वील कॉल इट प्लस सिग्मा, अदर हैविंग नेगेटिव चार्ज, विल कॉल इट माइनस सिग्मा। अब सबसे पहली बात, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डू यू अग्री? इट विल गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा पहली पहली प्लेट इसको वन कहते हैं, इसको टू कहते हैं, ड्यू टू वन इस डायरेक्शन में है, दिस इज ई वन, ई वन इज सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन जीरो, E2 इस तरफ है, ये ऐसे पकड़ लो, इज माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन जीरो। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ई, दोनों ऑपोजिट है, तो ई वन माइनस ई टू, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन जीरो माइनस माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन जीरो, आंसर क्या हो गया? प्लस नहीं हो जाएगा, सो सिग्मा प्लस सिग्मा, टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन जीरो विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, एंड एवरीबॉडी नोज सिग्मा इज क्यू बाय ए। बट कुछ भी करने से पहले, सो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन जीरो। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अस से डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स इज डी, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी इजिली फाउंड एज वी इज ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द प्लेट्स। सो ई कितना है? क्यू इन टू डी बाय एप्सिलॉन जीरो ए। नाउ अंडरस्टैंड दिस, कोई भी टाइप का कैपेसिटर हो, फॉर एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर द रेशियो ऑफ क्यू बाय वी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट and is called the capacitance of the system. So for a capacitor C, which is capacitance of the system, C is Q by V. Very lovely equation here. V hai, डाल दो और देखो क्या मिलता है आंसर में. So C is Q by V की जगह QD by epsilon 0A. QQ cut. एप्सिलॉन जीरो ए चढ़ जाएगा ऊपर, सो सी
इज एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी. लवली आइटम हियर. दिस इज द इक्वेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सी इज एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी. एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. A is the area of the plates and D is the distance between the two plates. Capacitor का symbol ऐसा होता है, दो plates. बराबर. This is the symbol for a parallel plate capacitor. अच्छा, यहां पे मैं एक टिप भी दूंगा कि what is the capacitance of a sphere? For a sphere, you know, C is equal to Q by V and V is K Q by R. So, to cut a long story short, capacitance C is 4 pi epsilon 0 R, where R is the radius of the sphere. Okay. अब बात करते हैं capacitors in series and parallel के बारे में. Just have a look. Capacitors in series and parallel. Lovely item. You know, आपको जब भी कोई circuit वगैरह solve करने दिया जाता है, तो उसमें यूजुअली या तो सीरीज में होते हैं कैपेसिटर्स या पैरेलल में. तो अगर सीरीज में हो तो क्या सेम रहेगा, पैरेलल में हो तो क्या सेम रहेगा. इफ यू डोंट नो दैट देन यू आर स्टिल इन द स्टोन एजेस. मतलब यू हैव टू नो कि अगर ये दोनों सीरीज में है तो विच क्वांटिटी. देर आर बेसिकली ओनली थ्री क्वांटिटीज, क्यू बेसिकली टू क्वांटिटीज ओनली, क्यू एंड वी. तो सीरीज में कौन सी सेम रहेगी, पैरेलल में कौन सी सेम रहेगी, बस ये पता होना आपको जरूरी है. तो वो पता लगाने के लिए मैं ये कर रहा हूं, कैपेसिटर्स इन सीरीज. कैप इन सीरीज नहीं है, कैपेसिटर्स इन सीरीज. ओके, आई गॉट थ्री कैपेसिटर्स, लेट अस से 1, 2, 3 इन सीरीज कनेक्टेड विद दिस बैटरी. लेट्स कॉल इट वी. यह है C1, यह है C2, यह है C3. Now what happens is, यहां से पॉजिटिव चार्ज जाकर के इस कैपेसिटर को इस प्लेट पे स्टोर होता. जितना पॉजिटिव चार्ज यहां से गया उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां से यहां जाके स्टोर होता. सेम, बिकॉज दोनों पे चार्जेस सेम ही है. अब जितना पॉजिटिव यहां स्टोर हुआ उतना बाय इंडक्शन यहां नेगेटिव आएगा, जितना नेगेटिव यहां आया उतना पॉजिटिव यहां आएगा, जितना पॉजिटिव यहां आया उतना नेगेटिव यहां आएगा, जितना नेगेटिव यहां आया उतना पॉजिटिव यहां आएगा. इन शॉर्ट, इन वेरी शॉर्ट, द चार्ज क्यू ऑन दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर विल बी सेम. ऑलराइट, डू यू सी दिस, इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू. सो इन सीरीज की आइडिया, द चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स जितने भी सीरीज में है will be equal. Okay, सब पे क्यू होगा. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, इस पे V1, इस पे V2, इस पे V3. एंड फिर फाइनली V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करते हुए, यू नो Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C. सो दिस इज Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3. एंड फाइनली हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको फाइनल इक्वेशन ही लाना है. 1 by CS 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3. दिस इज द इक्वेशन फॉर थ्री कैपेसिटर्स इन सीरीज, वेरी मच सिमिलर टू रेजिस्टर के पैरेलल का. अब कैपेसिटर्स इन पैरेलल की बात करते हैं. मैं सोच रहा था एक ही बोर्ड पे उन दोनों को लूं ताकि आप कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कर सके. तीन कैपेसिटर C1, C2, C3 कनेक्टेड विद बटरिया. C1, C2, C3. अब ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहां पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल वाज ओनली कनेक्टेड टू दिस प्लेट, बट यहां दिस पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू थ्री प्लेट्स. दिस नेगेटिव टर्मिनल आल्सो कनेक्टेड टू थ्री डिफरेंट प्लेट्स. तो ये पॉजिटिव तीनों को पॉजिटिव चार्ज देगा, नेगेटिव भी तीनों को. तो यहां से जितना चार्ज निकलेगा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन C1, C2 एंड C3. तो इस पे चार्ज होगा Q1,
इस पे चार्ज होगा Q2, इस पे चार्ज होगा Q3, कौन सी चीज सेम रहेगी? डू यू अग्री? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है. सो द पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल, द पोटेंशियल डिफरेंस, वी कॉल इट PD, शॉर्ट फॉर्म PD, अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स विल बी सेम, चार्ज डिवाइड्स. सो अगर टोटल चार्ज इसमें से निकला है Q, तो इट विल डिवाइड एज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. सो Q, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. यू नो Q इज CV, तो Q1 इज C1V, Q2 इज C2V, Q3 इज C3V. सो दिस इज ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, द होल इनटू V. सो फाइनली व्हाट डू वी गेट? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP, C1 प्लस C2 प्लस C3. दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है, PD रिमेन सेम. सीरीज में PD डिवाइड होता है, चार्ज ऑन ईच रिमेन सेम. इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल? नाउ लेट्स गो टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. लवली आइडिया, एनर्जी स्टोर्ड. लेट्स सी, यू नो जैसे मैंने कहा आपको, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, और चार्ज स्टोर करने में जो वर्क किया जाता है ना, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. सो वी विश टू फाइंड एन इक्वेशन कि हाउ मच विल बी द इक्वेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. ओके, सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड? हम ये मान रहे हैं यहां पे कि देर आर टू प्लेट्स एंड एक में से चार्ज निकाल के दूसरे पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एंड इस तरह एक पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. दोनों प्लेट्स बेसिकली तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है. सो लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन वेर इन इस पे है प्लस क्यू डैश एंड इस पे है माइनस क्यू डैश. सो इस पे है प्लस क्यू डैश, इस पे है माइनस क्यू डैश, एंड यहां से मैं थोड़ा सा चार्ज निकाल के लेट अस से डेल्टा क्यू डैश मैं इस प्लेट से इस प्लेट तक लेके जा रहा हूं, इतना डिस्टेंस है डी. कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा? एनीबडी, कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा? एनी आइडिया किस तरह फाइंड किया जाए कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा? सबसे पहला व्हाट विल बी द पोटेंशियल इफ सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम. इफ कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम इज सी, देन डू यू रिमेंबर क्यू इज इक्वल टू सी वी, और चार्ज कितना है क्यू डैश सिस्टम का, कोई भी एक प्लेट का चार्ज कितना है क्यू डैश, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है. तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस, अच्छा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन द टू प्लेट्स? Q dash by C. And now what do? We take a small charge. We take small charge delta Q dash from one plate to another. But of course, tumko potential difference ke khilaaf work done karna padega. Work done is, let's call it a small work DW. DW, hey, what is work done? Isn't it charge into potential difference? Yes, sir. So, charge kitna hai? DQ dash ya delta Q dash. And how much is the potential difference? Q dash by C. So, tumhara answer kya hai? Work done is Q dash by C into DQ dash. अब ऐसे छोटे छोटे charges लाते ले जाते एक point पे दूसरे point, एक plate से दूसरे plate तक, टोटल वर्क डन तुमको फाइनली प्लेट को इस तरह बनाना है, यू नो प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये फाइनल चार्ज ये है. सो वर्क इज इंटीग्रल डी डब्ल्यू, कहां से लेकर कहां तक? पहले जीरो चार्ज था,
वहां से क्यू चार्ज करने तक वर्क डन करना है, तो 1/c बाहर आ जाएगा, क्यू डैश इंटू डी क्यू डैश फ्रॉम जीरो टू क्यू बाई इंटीग्रल एक्स रेस टू एन डी एक्स एक्स रेस टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, दिस इज हाउ मच, क्यू डैश स्क्वेयर बाई टू जीरो से लेकर क्यू तक, एंड फाइनली वर्क डन मिल जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन 1/2c इंटू क्यू स्क्वेयर. दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी को यू कहा जाता है. सो यू इज हाफ क्यू स्क्वेयर बाय सी. बट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ वेरी सेलिब्रेटेड इक्वेशन, वी डोंट यूज दिस अलॉट. क्यू इज इक्वल टू सी वी एंड एज अ रिजल्ट दिस इज सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय टू सी, एक सी कटा, तो यू इज हाफ सी वी स्क्वेयर. आई टेंड टू यूज इक्वेशन टू मच मोर देन आई यूज इक्वेशन वन. एंड ऐसा नहीं है, यू नो, जब भी बैटरी लगी होती है तो आई टेंड टू यूज यू इज हाफ सी वी स्क्वेयर, और जब बैटरी नहीं होती तो आई टेंड टू यूज क्यू स्क्वेयर बाय टू सी. वेल, देयर इज ऑल्सो वन अदर इक्वेशन यू कैन यूज, यू नो, वी सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सो ऑल्सो यू इज हाफ क्यू वी. सो इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस ऑल्सो, गो अहेड, नो प्रॉब्लम. तीनों एक ही इक्वेशन से निकले हैं, सो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट. ओके, तो ये हो गया एनर्जी स्टोर का आइडिया. अब डाइलेक्ट्रिक अंदर डालना है कैपेसिटर में. क्यों डालना है सर, क्या काम क्या है? यू नो, हमको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ानी है बाय सम मींस, तो द ओनली आइडिया वी हैव, हमने एरिया बढ़ा के देख लिया, डिस्टेंस घटा के देख लिया, पर एक लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता. सो वी फाइनली थॉट कि ऐसा कुछ डालें कैपेसिटर के बीच में जिससे उसकी कैपेसिटेंस बढ़े. दैट थिंग इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक. इसको देख लो, फिर डाइलेक्ट्रिक आ रहा है. ओके, सो वी आर लुकिंग एट इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर. नाउ व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? दीज आर नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स विच हैव बीन पुट इनसाइड द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन ऑर्डर टू इंक्रीज कैपेसिटेंस. दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. यू नो, नॉन पोलर ऐसे होते हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक ही पॉइंट पे होते हैं. यू नो, द एग्जांपल्स आर H2, N2, O2, एक्सेट्रा. इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है. एंड देन वी हैव पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर समथिंग लाइक दिस, दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन फाइनाइट डिस्टेंस. सो फॉर एग्जाम्पल HCl, H2O, दीज आर ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है, इसका नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है. जब मैं पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डालता हूं, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, एंड इस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस पे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दिस चार्ज will tend to move in this direction, this charge will tend to move in this direction. As a result, thodi der baad system kaisa ho jayega? Can you see polarization of the dielectric has taken place? So from a non-polar molecule it gets converted into a polar molecule. Not only this, agar tum kisi polar molecule ki bhi baat karo, यू नो, मेरे पास सपोज बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. यू नो, इनिशियली दे आर ऑल, यू नो, रैंडमली अलाइंड, बट जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करता हूं तो यू विल सी दैट स्लोली एंड स्टेडिली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो, दे विल ऑल्सो टेंड टू अलाइन इन सच अ वे कि पॉजिटिव उस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा. इन शॉर्ट, इसमें भी एक सॉर्ट ऑफ पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगा. एंड
डाइपोल मोमेंट जो है वो नेट इंड्यूस हो जाएगी इसमें, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, बट हियर देर विल बी अ न्यू डाइपोल मोमेंट इंड्यूस, सो वी डिफाइन अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक विच इज कॉल्ड पोलराइजेशन. सो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, एंड उसका एक इक्वेशन भी है denoted as बड़ा P, and equation बड़ा P bar is chi E into E zero bar. पहली बार chi E आया है, chi E is called electric susceptibility. तो पहले initially जब मैंने dielectric नहीं डाला था तो let us say this was sigma, this was minus sigma, and the electric field let's call E0. So electric field E0 is sigma by epsilon 0. The potential difference between the two plates V is E0 into D, which is sigma D by epsilon 0, and the original capacitance, इसको V0 कहते हैं, ओरिजिनल कैपेसिटेंस C0 इज एप्सिलॉन 0 A बाय D. ये दो क्वांटिटीज में भरपूर बदलाव आने वाला है EO और CO में. किस तरह आएगा लेट अस सी. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट इनिशियली समझो कि मैंने पोलर मॉलिक्यूल्स डाले एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद वो इस तरह अलाइन हो गए. मैं तीन चार ही बनाऊंगा. अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यू सी दैट दीज मॉलिक्यूल्स आर अलाइंड इन दिस फैशन, एंड ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के एकदम पास है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के एकदम पास है. सो ये जो बीच का सामान है ना उसका नेट चार्ज जीरो होता है, प्लस माइनस जीरो. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया इट इज ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज आउट हियर अट्रैक्ट हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज हियर. सो दिस चार्जेस आर कॉल्ड इंड्यूस्ड या बाउंड चार्जेस, बरोबर. एंड इनकी वजह से एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है. नाउ लेट मी ड्रॉ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी चार्जेस. ओरिजिनली ये तुम्हारा सिग्मा और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ईओ. अब ये तुम्हारे बाउंड चार्जेस इन ब्लू, दे विल नॉट बी एनी टाइम इक्वल टू दिस, नहीं तो जीरो ही हो जाएगा, ये हमेशा कम ही रहेंगे. और इसकी वजह से ये है तुम्हारा नया इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी, यू नो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बी. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ईओ इस तरफ EB इस तरफ, what is your net electric field? E, isn't it sigma minus sigma B by epsilon zero? And ये sigma minus sigma B जो है is directly proportional to the original sigma. जितना तुम्हारा original sigma बड़ा होगा उतना sigma minus sigma B भी बड़ा होगा. So यहां पर एक पलटाव आता है, सिग्मा माइनस सिग्मा बी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा. तो लेट मी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर, सिग्मा माइनस सिग्मा बी इज सिग्मा बाय के. ये पहली बार के इंट्रोड्यूस हुआ, के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो जहां सिग्मा माइनस सिग्मा बी है वहां मैं सिग्मा बाय के लगा देता हूं. सो नया इलेक्ट्रिक फील्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, ई is sigma by k into epsilon zero. Hey, इसको पहचाना आपने sigma by epsilon zero? Isn't it original electric field? तो तुम्हारा नया electric field is original by k. So your new electric field decreases by a factor k. What is the new capacitance? Sir, ready एकदम. New capacitance
न्यू कैपेसिटेंस लेडीज एंड जेंटलमैन एनीबॉडी। अच्छा इससे पहले कि मैं नया कैपेसिटेंस फाइंड करूं, मैं तुमको पहले के दर्शन करा दूं। के को जब मैं यूज करता हूं तो एप्सिलॉन बिकम्स एप्सिलॉन जीरो इनटू के। हियर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन इज व्हाट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। And as a result, new capacitance C is epsilon A by D. Epsilon is what? Epsilon 0 K A by D. And epsilon 0 A by D, to original capacitance C 0. So C is K times C 0. So your new capacitance increases by a factor k and your new electric field decreases by a factor k. Here k is called dielectric constant. Area vacuum ka 1 hota hai, baki sab ka 1 se zyada hota hai. Ek illustration hai jo main karwana chah raha hu jisme dielectric introduce kiya gaya hai. I think it's illustration number 8. Okay, to illustration number 8 jaldi nahi hai na, 5 minute chalega. 5 minutes is good. पता नहीं माइक खराब है. So 2.8 रीड करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता. I have this capacitor something. Illustration 2.8. What it says is, मेरे पास a slab of material of dielectric constant k is the same area as the plates of the parallel plate capacitor, but has thickness 3d/4. अच्छा, suppose ये दो plates हैं, original distance is d. What is going to be your original capacitance? Original capacitance C zero is epsilon zero a by d. Now what you have done is you have introduced a slab jiska length kitna hai 3d/4. Okay, itna tumne introduce kiya jiska dielectric constant kitna hai k aur baki kitna bacha d/4 usme kya hai air. Okay, what do you need to find? How is the capacitance changed when the slab is inserted? Okie dokie. First things first. Okay, now the net electric field between the two plates. Do you agree? The net electric field to kya hoga? Yahan pe electric field hai EO aur yahan pe hai EO by K. I hope you remember ki slab mein electric field change hoke ho jata hai EO by K. To net electric field nahi, net electric potential difference. Net potential difference between the two plates V is potential difference in air, yahan pe air hai, plus potential difference in the slab. And everybody knows potential difference is electric field into distance. So air mein electric field kitna hai EO and distance kitna hai d/4. Slab mein electric field kitna hai EO by K and distance kitna hai 3d/4. So, what are you left with? EO d/4. Can I take it as common? So, V is EO d/4 bracket mein 1 plus 3/k. And now, the new capacitance. New capacitance. अच्छा, तुम्हारे पास original जो potential difference था उसकी कोई जरूरत है? नहीं है. तो नया कैपेसिटेंस सी इज यू नो क्यू बाई वी एंड हाउ मच इज योर वी. ये रहा ईओ डी बाय 4 इंटू 1 प्लस 3/k. तो इसमें ईओ डी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने को ओरिजिनल कैपेसिटेंस में. मैं 4 को ऊपर लेके जा रहा हूं 4q/EOD इंटू 1 प्लस 3/k.
what do I need to do? Do I need to do Q is equal to CV and stuff? Is that what I got to do? Q is equal to CV. So C0 into तुम्हारा कितना हुआ करता था ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा ईओडी को भी हो, हाँ वो भी यहां भी वही कर सकते थे, नो बिग इशू. तो 4Q बाय ईओडी ओरिजिनल तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था ईओ, डिस्टेंस कितना है डी, वीओ 1 प्लस 3 बाय के. एंड नाउ Q इज सी जीरो वी जीरो, तो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ ओरिजिनल. अब ये वीओ कटेगा डिश डिश, सो तुम्हारा फाइनल सी. ए डू दे वांट अस टू टेक, डू दे वांट अस टू टेक के अपस्टेयर्स, नीचे के के प्लस थ्री, तो ये के ऊपर चढ़ गया. सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, सी इज फोर के सी जीरो ओवर के प्लस थ्री. चेक दिस आउट, इज दिस बरोबर सही है. ओके तो ये हो गया तुम्हारा इलस्ट्रेशन 2.8. एक और न्यूमेरिकल मस्त है, आई थिंक द लास्ट न्यूमेरिकल नंबर, लास्ट न्यूमेरिकल नंबर बीइंग 600 पिको फैरेड कैपेसिटर वाला 200 वोल्ट सप्लाई, 600 पिको फैरेड कैपेसिटर. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एंड इट अप. 600 पिको फैरेड डेटा याद रखना यार, मुझे याद नहीं रहेगा. सो आई गॉट दिस ओरिजिनल 600 पिको फैरेड कैपेसिटर जो 200 वोल्ट से चार्ज हो रहा है. तो क्या था न्यूमेरिकल नंबर 11? तो फर्स्ट सी वन 600 पीको वोल्टेज इज 200 वोल्ट. व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? फर्स्ट ऑफ ऑल द चार्ज एंड द एनर्जी. तो तुम्हारा ये चार्ज हो रहा है, तो हाउ मच इज द चार्ज सी वन वी? सो 600 पीको में 10 इज टू माइनस 12, दिस इज 200. सो 6 टूज आर 12, 2 एंड टू 4, 4 माइनस 12 माइनस 8 कूलम. And energy U is half C1 V square. So half C1 is 6 into 10 raised to minus 10. And 200 ka square, that's 2 into 10 is to 2 ka square, 4 into 10 raised to 4. 4 by 2 is 2. So this is 12 into minus 10 plus 4 minus 6. Ab kya hoga? Battery is disco. This was part 1. Now part 2. Now battery is disco. भाई बैटरी डिस्को हो जाती है एंड अनचार्ज कैपेसिटर सी टू, वो भी 600 पिको फैरेड ही है, इज कनेक्टेड. ओ बैटरी डिस्को हो गई, एक बात याद रखना. तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, तो टोटल चार्ज इज नाउ डिवाइडेड बिटवीन सी वन एंड सी टू. सिंस बोथ आर 600, it is divided equally. So as C1 is equal to C2, so charge divides equally. So Q1 is Q2 is Q by 2. 12 into 10 is to minus 8 by 2. Q1 is Q2 is 6 into 10 raised to minus 8. And thus energy in each capacitor, obviously dono ki energy same hi hogi. U1 is U2 is Q1 square by 2C1. तो ये Q1 आ गया 6 into 10 raised to minus 8 का square by 2, और C1 कितना है 600 पिको. तो 6 का square 36, 36 by 12, that's 3. So U1 is U2 is 3 into 10 raised to minus 6. So total energy now U dash is U1 plus U2, that is 6 into 10 raised to minus 6. So original energy thi 12 into 10 raised to minus 6, ab nayi energy hai 6 into 10 raised to minus 6, baki ki kya ho gayi, lost ho gayi. So energy lost as heat and electromagnetic radiation delta U is U minus U dash, 12 minus 6 is 6 into 10 raised to minus 6 joule.
भाई लेट मी टेल यू हियर, अगर ये दोनों कैपेसिटर्स इक्वल नहीं होते तो चार्जेस इक्वली डिवाइडेड नहीं होते एंड यू वुड हैव टू टेक देयर यू नो पैरेलल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस. सो क्यू वन वुड बी क्यू सी वन ओवर सी वन प्लस सी टू, चार्ज डिविजन फॉर्मूला बोलते हैं उसको. क्यू वन वुड बी क्यू सी वन ओवर सी वन प्लस सी टू एंड क्यू टू वुड बी क्यू सी टू ओवर सी वन प्लस सी टू. इट विल रियली हेल्प इफ यू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूले. दीज आर इफ सी वन नॉट इक्वल टू सी टू. ओके, सो इस तरह आप कर सकते हैं. एक और न्यूमेरिकल भी है इस तरह. अच्छा, एक सम है जिसमें यह कहा है कि सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड. तो अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है तो चार्ज विल रिमेन सेम. याद रहे, इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड चार्ज रिमेन सेम, एंड इफ बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम. ऑलराइट, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो चार्ज रिमेन सेम, और बैटरी कनेक्टेड रही तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम. बाकी जो भी चेंज होना है वो कर सकते हैं. ऑलराइट, आई थिंक दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ चैप्टर टू. काफी न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन वगैरह किए. कुछ और बाकी रहा, कुछ और समझना है, सीखना है, एनीथिंग? नो? ऑलराइट, सो इसको करें घर पे जा करके, एंड यू स्टे सेफ, हैव अ लवली इवनिंग. बाय बाय.